बैठे बैठे ही वैष्णो धाम की यात्रा करते हैं। भक्तगण कहेंगे ये अनिल कक्का बेवकूफ बना रहा है, ककोड़ में बैठे बैठे वैष्णो धाम की यात्रा कैसे हो जाएगी। लेकिन मेरे गुरु भगवान बताते हैं यात्रा दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक यात्रा और एक मानसिक यात्रा। आइए एक मन से मान करके मानसिक यात्रा लेकर के चलते हैं। एक बार हाथ उठा के कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। आइए जय माता दी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मेरी माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। हाथ और कहिए ताली के साथ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं ना ये गाना जागरण है ना बजाना जागरण है। मैंने हंस के पूछा गुरुजी जब ये गाना बजाना जागरण नहीं है तो भक्त इतने पैसे दे देकर हमें क्यों बुलाते हैं। तब उन्होंने बताया बेटा ये गाना और बजाना जागरण नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या जागरण है, उन्होंने बताया दरबार में बैठ करके सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से माँ की जय जयकार करना ही माँ का जागरण है। आइए खोलिए हाथ और चलते हैं जरा, चलो बुलावा आया है। तो ऐसे बैठे हैं चाचा, कैसे बैठे हैं? जैसे हलवा ज्यादा खा लिया हो। जरा उठाइए हाथ और जरा भाव के साथ चलिए। मैं चाहता हूं इसी रचना में आपका इन श्री चरणों में आना आज सफल हो जाए। दरबार में बैठी हुई एक एक पवित्र आत्मा उन श्री चरणों तक जुड़ जाए ऐसा मेरा प्रयास होगा। खोली हाथ और कहिए हमें माता ने बुलाया। और ये 201 भी ग्राम प्रधान ककोड़ देहात से भवानी के चरणों में 201 रुपए की अरदास, और 100 भी भाई विनोद डॉक्टर जी
विनोद डॉक्टर साहब की तरफ से माँ के चरणों में अरदास, और 100 रुपये मेरे भाई मुकेश गुप्ता जी बिरौंडी वाले माँ भवानी के चरणों में 100 रुपये अरदास। पैसा न बड़ी जल्दी पकड़ा है मनोज और का। जब हम वैष्णो धाम जाते हैं डॉक्टर साहब कोई किसी को हाय हेलो नमस्ते राम राम कुछ नहीं करते, एक दूसरे को क्या कहते हैं? जय माता दी। हम भी एक यात्रा लेके चल रहे हैं ना, उठाइए हाथ कहिए जरा जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, क्योंकि कहा है क्या कहा है, मैं तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता दी, अरे तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहे जय माता दी, अरे लोग कहे जय माता दी, लोग कहे जय माता दी, खोलिए जरा हाथ, खोलिए हाथ भैया, महाराज तुम्हारा भी नंबर आएगा चिंता मत करो, खोलिए अपने अपने हाथ बताइए जरा जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे लगन लगा लो, ये ढोल वाले भैया जरा तुम भी बोलो, अरे जय माता दी, अरे सारे बोलो, अरे जय माता दी, क्योंकि कहा है जय माता दी, कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव पे चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव पे चालों को, बोलो चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव पे चालों को, जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन पाया है, चलो जरा बोलिए अपने अपने मुखारविंद से, चलो बुलावा ये रचना 93 में नरेंद्र चंचल जी ने रिकॉर्ड की थी 93 में, लेकिन 2006 या 7 में इस रचना को सोनम निगम जी ने फिर रिकॉर्ड किया, जो भजन एक बार पहले रिकॉर्ड हो चुका उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की क्या आवश्यकता पड़ी, आइए मैं बताता हूं। माँ के दरबार से एक पत्रिका निकलती है, हर महीने प्रकाशित होती है, जिसका नाम है माँ के चरण। ये वाक्या जो मैं बताने जा रहा हूं ये उस पत्रिका में छपा था। कानपुर का एक वैश्य परिवार जय माता की करते करते वैष्णो धाम की सीढ़ियां चढ़ रहा था। कैसे चढ़ रहा था, जरा हाथ खोलिए जरा जोर से बोलो, अरे लगन लगा लो, जोर से बोलो, सारे बोलो, दरबार जब जय माता की करते पूरा परिवार वैष्णो धाम जा रहा था। पहले सीढ़ियों वाला ही रास्ता था, आजकल तो काफी रास्ते हो गए। माँ का किसी कारण से पैर फिसला, 2.5 वर्ष का बच्चा गोदी में था, बच्चा सीढ़ियों पे फिसल गया। आनन फानन में भक्तों ने जाकर के उस बच्चे को उठाया, नीचे वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कटरा में हॉस्पिटल है, वहां हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया, बोले इसमें कुछ नहीं है ले जाइएगा। लेकिन वो माँ कहने लगी कि माँ तू भी एक माँ है और मैं भी एक माँ हूँ, और माँ के दर्द को माँ से बेहतर और कौन जानता है। क्या कहने लगी सर्वेश जी, तू भी तो एक ना है माता, तू भी तो एक ना है माता, अरे माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का गम क्या होता है, बेटे का दुख क्या होता है, ये
और भला कोई क्या जाने हाँ उसका खून में देखूं कैसे उसका खून में देखूं कैसे जिसको तू पिलाया है तू भी तो एक माँ है माता माँ ही माँ को पहचाने बेटे का गम क्या होता है ये और भला कोई क्या जाने उसका खून में देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है भक्तों चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया ये वाक्या माँ के चरण पत्र का में छपा था उसका बेटा पुनः जीवित हो गया जो भक्त जितने भाव से जितनी श्रद्धा से जितनी आत्मा से माँ को मानते हैं वही माँ की शक्ति को जानते हैं अन्यथा सारी रात माँ माँ कहते रहो कुछ मिलने वाला नहीं है मिलेगा यहाँ से जो यहाँ से मानते हैं वही इसकी शक्ति को जानते हैं एक बार हाथ उठा के कह दीजिए जय माता दी जय माता दी क्योंकि कहना है क्या प्यारे जय माता दी बोल रहे तेरा हमारे घर आंगन में हो रहा है सब ये तो शब्द भाटी परिवार की तरफ से माँ के चरणों में रखूंगा और कहूंगा क्या किसने सजाया अरे किसने सजाया मेरी मैया को 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 जरा एक बार हाथ उठा के जिनको माँ अच्छी लग रही है जरा हाथ उठाइए जिनको सुंदर लग रही है माँ तो जरा ताली के साथ कहिए क्या सोनी बनाया मेरी मैया को सोनी बनाया मेरी मैया को और आइए ये चार लाइनें आखिरी चार लाइनें और मैं अपनी तरफ से रखूंगा क्योंकि कहूंगा क्या मेरी मैया ने भैया सिरों वाली ने अंबेलानी ने मुझ पे कमाल कर दिया जय हो दरबार में खड़ा हूं कसम से झूठ नहीं बोलूंगा मैंने माँ की उस कृपा को इतने करीब से देखा है और मैं ये चाहता हूं कि वो कृपा सब भक्तों को मिलनी चाहिए उठाइए जरा हाथ और कहिए क्या मेरी मैया ने मुझ पे कमाल जो जो माँ का कमाल चाहते हैं जरा दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ और कहिए क्या बेटा मैं तो निर्धन I'm not afraid of the dark.
बार बार खोल दीजिए हाथ, कोई हाथ नहीं रहना चाहिए, जरा खोलिए हाथ ऐसे में। ये भक्तगण कहते हैं भैया ये जागरण वाले सारी रात उठाओ हाथ बजाओ ताली, उठाओ हाथ बजाओ ताली, थका देते हैं। आइए हाथ उठाने का एक रीजन कारण एक महत्व होता है, ये संपूर्ण जयकारा माँ भगवती के चरणों में माना जाएगा, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जरा उठाइए अपने अपने हाथ, दिखाइए जरा माँ को। भैया इंस्ट्रूमेंट पर बैठे भैया, ढोल वाले भैया, ढोल वाले भैया, साउंड वाले भैया, सभी ने मेरे साथ साथ बोलना, हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, जरा जोर से बोलिए, हे माँ भगवती, हम तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में आए हैं, आए हैं, हमारे हाथों में, हमारे हाथों में जो अनुचित रेखाएं हों, जो अनुचित रेखाएं हों, जिनसे हमारे जीवन में, जिनसे हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हों, कष्ट आ सकते हों, आप उन्हें मेटें, आप उन्हें मेटें, हमारे हाथों में, हमारे हाथों में सुंदर रेखाओं का, सुंदर रेखाओं का प्रभाव करें, प्रभाव करें। उठाइए मेरे हाथ और एक बार ताली बजा दीजिए। मैं तो निर्धन था माने वाला, कुछ गलती, कुछ त्रुटि, कोई कमी रही हो क्षमा चाहूंगा।